क्या बनोगी आगे चलकर? बैंकिंग के लाइन में जाना। अच्छा बैंकिंग, चलिए अच्छा है भारत सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना कोचिंग में है। वजह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट। टोटल बिहार विद्यालय परीक्षार्थी जो थे 16 लाख, लगभग 17 लाख आप कह सकते हैं, 17 लाख में सफलता पाने वाला कि बिल्कुल चेहरे पर उत्साह है, होना भी बिल्कुल लाजमी है। जिस तरह समिति ने, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने कड़ाई का पालन किया है, छात्र हैं जूता हटा दिया, मोजा हटा दिया, मोबाइल तो वैसे वर्जित है, तमाम तरह की, यहाँ तक कि जो घड़ियाँ जो है उसको भी उतार दिया गया, लड़कियों के साथ में भी ऐसे हुआ। उन सब के बावजूद में आप यहाँ का जब दृश्य देखिएगा, जीत की और एक विजय की एक परचम लहराइए, इनके लिए वेरी शुभकामना। ऐसे ही तरक्की करें अपना बिहार, अपना पटना सिटी, और ख़ास करके इस कोचिंग का मान सम्मान बढ़े तभी बहुत बेहतर, और अपना बिहार का जो गिरती हुई जो शिक्षा व्यवस्था है बेहतर रूप में जाए। यहाँ के जो निदेशक हैं हम इनसे भी जानकारी लेंगे, यहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। इस कड़ी मेहनत में किसका श्रेय जाता है, इस कड़ी मेहनत में कौन आपके साथ में रहा है? क्या नाम हुआ? निशा मेहता। कितना अंक आया है? 441। बहुत अच्छा। क्या तपस्या की थी, कितना अंक आ गया? पढ़े थे, रिवीजन किए थे, और जो सर पढ़ाते थे उसको उस जैसे कि शाम में पढ़ाए तो घर पे जाके उसको रिवीजन करना बस। घर पे तो ज्यादा पढ़ाई करती होगी तो मम्मी पापा बोलती होगी कि नहीं नहीं पढ़ना है अभी? नहीं ऐसा तो नहीं कुछ। आप? रोशनी कुमारी। 433 नंबर आया। क्या बनना है आगे? आगे मुझे बैंकिंग के लाइन में जाना है। अच्छा पेंडिंग बैंकिंग। अच्छा बैंकिंग। आप? मुझे साइंस लेना है। साइंस लेना है। आप? साक्षी राज। 415 आया है। इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यहाँ पर जो भी देखिएगा छात्राएं, चेहरे पर एक उत्साह है और मुस्कान है। जाहिर सी बात है यहाँ भी पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ? दीपाशा राज। क्या बनोगी आगे चलकर? बैंकिंग के लाइन में जाना। अच्छा बैंकिंग, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। श्रेय किसका जाता है? कैसे बच्चे बच्चिया को बहुत तरह का कठिन परिश्रम कराना पड़ता था, कितना वर्क देते थे? सबसे पहले तो हम श्रेय देंगे इनके माता पिता का, इनका जो पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत सारे माता पिता एफर्ट नहीं करते लेकिन इनके माता पिता। दूसरा हम लोग अपना अपने कोचिंग में एक ही चीज़ रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम दोनों टाइम इनको पढ़ाना, उसके अलावा समय समय पर टेस्ट लेना, उसके अलावा इनको रिविज़न होमवर्क टास्क टेस्ट में चेक करना, जो बच्चे कम कर रहे हैं या पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको मोटिवेट करना, इस तरीके से मेहनत करा के इनको और रिजल्ट के लिए फिर 16 से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। और प्रत्येक साल आप देख सकते हैं सिर्फ 400 400 400 400, पूरा चारों तरफ 400 नंबर से भरा हुआ होना, 90% लाना, तो ये अच्छा लगता है कि अपने कोचिंग के लिए बहुत गोल्डन चांस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। तो इस कोचिंग संस्थान के निदेशक ने बिल्कुल बेबाक बात बताए हैं, मेहनत मेहनत। और यहाँ जो छात्र लोग हैं, आप क्या बनोगे? कॉमर्स ले गए, बैंकिंग का तैयारी करेंगे। सब बैंकिंग में जाओगे? आप? आईएएस बनने का सपना है। आईएएस बनने का शौक है भाई, ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत अच्छी बात है भाई। कम से कम बैंकिंग और रेलवे से बेहतर आगे का मुकाम करने वाले हैं कि आईएएस बनकर दिखलाएंगे, बहुत जरूरी है। पटना सिटी में ऐसे भी 5-7 आईएएस है, तो प्रयास रहेगा कि आप भी आईएएस बने, इस कोचिंग का और शहर का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम तमाम लोगों को एक बार पुनः से विश यू ऑल द बेस्ट करते हैं, और ऐसे ही तरक्की करते रहें। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।